हेलो दोस्तों नमस्कार वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप टेन क्लासेस तो आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा दस के फिजिक्स की लेक्चर नंबर जो आपका आज नौ आएगा लेक्चर नंबर जो नौ आने वाला है वो आज लेक्चर नंबर नौ कक्षा दस के हर प्रिय साथियों के लिए हर प्रिय बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज आप लोग बोर्ड में आठ नंबर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके हाई स्कूल के एग्जाम में उस आठ नंबर को जो है चुटकियों में सीखने चल रहे हो तो आइए आज उसको हम लोग जो है चुटकियों में सीख लेंगे और सिखा भी देंगे तो जल्दी से जल्दी जो क्लास में नए होंगे वो इस क्लास के सेशन को शेयर कर देंगे किसके साथ किसके साथ दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे और चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अब मिल आप चलिए आपके टाइम को ना नुकसान करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं तो मत जाइएगा कहीं पर ना आपकी पंद्रह या बीस मिनट की जो भी क्लास रहने वाली है उस क्लास में आपको जो है आज सिखा देंगे कि गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के क्या नियम है तो भैया गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के कितने नियम है तीन नियम कितने नियम है तीन नियम सबसे पहली बात किसी वस्तु का दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का कितना नियम है भैया तीन नियम है आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रथम नियम क्या होता है तो यहां हम लोग बनाएंगे प्रथम नियम प्रथम नियम अब आप देखिएगा प्रथम नियम क्या होता है जरा सा मैं कुछ वर्ड लिखना चाह रहा हूं लिख दे रहा हूं फिर उसके बाद आपको जरूर समझाएंगे क्या होता है पहला नियम यही है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात परावर्तित होने का मतलब टकराने की बात जब लौटती है तो दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात होने के पश्चात परावर्तित होने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है मुख्य फोकस से होकर जाती है या, या जाती हुई प्रतीत होती है या जाती हुई प्रतीत होती है जाती हुई प्रतीत होती है अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने लिख दिया कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें जब दर्पण से टकराती हैं दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती यहां तक तो बात समझ में आ रही है पर ये दूसरी लाइन क्या लिखती या जाती हुई प्रतीत होती है या तो जाएगी या तो जाती हुई प्रतीत होती है तो भैया यहाँ दो दर्पण होते हैं ना गोली दर्पण एक अवतल होता है एक उत्तल होता है अवतल से क्या होगी जाती है और उत्तल से क्या होगा जाती हुई प्रतीत होती है आइए हम लोग इसका डायग्राम समझते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता तो प्रथम नियम के लिए हम डायग्राम आपको इधर बनाने वाले हैं प्रथम नियम के डायग्राम को यहाँ बनाएंगे और आपको समझाएंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं एक अवतल दर्पण बनाते हैं क्या बनाते हैं एक अवतल दर्पण बनाते हैं तो अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसको हम लोग बाहर की तरफ क्या करते हैं कलई करते हैं बाहर की तरफ क्या करते हैं पॉलिश करते हैं ये दर्पण बन गया कौन सा दर्पण बना अवतल दर्पण कौन सा दर्पण अवतल ठीक अब क्या होता है फिर इस पे हम लोग एक प्रिंसिपल एक्सिस की रचना करते हैं जिसे मुख्य अक्ष कहा जाता है क्या होता है मुख्य अक्ष दर्पण का जो ये परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु होता है इसे हम लोग ध्रुव कहते हैं जिसे हम लोग लो पी से व्यक्त करते हैं फिर यही जो गोले का केंद्र होता है वो क्या होता है यहाँ पर कहीं वक्रता केंद्र होता है सी अब ध्यान दीजिएगा ये आपकी लाइन क्या है ये वाली लाइन आपकी मुख्य अक्ष है ये वाली लाइन क्या है अभी मुख्य अक्ष है अब वो क्या बोल रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणे ध्यान से देखिएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर तो ये मुख्य अच्छा है आपका यहां लिख दे रहे हैं ये आपका क्या है मुख्य अक्ष अच्छा। मुख्य अक्ष अच्छा। ध्यान समझिएगा अब क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणे देखिए क्या हो रही है ये सभी प्रकाश किरणें ये दोनों किरणें केवल इस किर पे आप ध्यान दीजिए एक किरण दो किरण ये दोनों किरणें मुख्य अक्ष के पैरलल हैं मुख्य अक्ष के समांतर हैं तो भैया मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें जब दर्पण से टकराती हैं दर्पण से टकराने के बाद कहां से होकर जाती है मुख्य फोकस से होकर जाती है तो आपने पर देखा होगा कि मुख्य फोकस यहां पर कहीं रहता था यहां पर मुख्य फोकस तो कहां से होकर जाती है मुख्य फोकस से होकर जाती है यानी अब ये लौटने लगेंगी तो लौटने का रास्ता केवल इनका कौन सा होगा ये वाला यानी ये से या? से कहां से होकर लौटेंगी भैया मुख्य फोकस से होकर लौटेंगी कहाँ से होकर लौटेंगी मुख्य फोकस से ये वाली भी किरणें कहाँ से होकर लौटेंगी मुख्य फोकस से होकर लौटेंगी ये आपका प्रथम नियम है ये देखिए क्या आ रहा है फिर से समझिएगा मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें जब दर्पण से टकराती हैं टकराने के बाद कहां से होकर जाती हैं भैया मुख्य फोकस से होकर जाती है पहला नियम समझ में आया अब आइए ये चीज हम लोग उत्तल के लिए ले देख लेते हैं किसके लिए उत्तल के लिए हम लोग इधर किसका बनाते हैं उत्तल दर्पण के लिए चर्चा करते हैं तो उत्तल दर्पण के लिए एक उत्तल दर्पण की रचना करेंगे आपको पता होना चाहिए उत्तल दर्पण कौन होता है जो अंदर की तरफ पॉलिश किया गया हो जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो बाहर की तरफ हो वो भरा हो वो कौन सा दर्पण पर कहलाता उत्तल इसका नाम क्या हो गया उत्तल दर्पण अब इस पे हम लोग क्या बनाएंगे एक मुख्य अक्ष की निर्माण करेंगे आप लोग इसको तो बना चुके हैं ना इसको समझ चुके हैं ना या यहां लिखना चाहो जरूर लिख दीजिएगा ये रेखा क्या कहलाती है ये रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है मुख्य अक्ष ठीक अब ध्यान दीजिएगा फिर अब हम लोग क्या करेंगे इस दर्पण पे भी एक मुख्य अक्ष का निर्माण करेंगे ये हो गई मुख्य अक्ष ध्यान से समझिएगा अब इस पर जो है यहाँ पर ध्रुव होगा और यहाँ पर क्या होगा मुख्य फोकस होगा और यहाँ पर क्या होगा इसका वक्रता केंद्र होगा चलिए ये वक्रता केंद्र आपने बना लिया अब क्या होता है वहाँ भी वही होगा कि मुख्य अच के समांतर तो भैया प्रकाश किरणें इधर से नहीं पड़ेंगी बल्कि इधर से पड़ेंगी जिधर परावर्तक पृष्ठ होता है उधर से प्रकाश किरणें पड़ती हैं तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा मुख्य अच्छ के समांतर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें कौन मुख्य अक्ष है ये मुख्य अक्ष है मुख्य अक्ष क्या होता है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें जब उत्तल दर्पण से टकराती हैं तो टकराने के पश्चात यह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है उत्तल दर पर क्या करता है इन प्रकाश को इधर की तरफ लौटा देता है पर पर क्या होता है पर हम लोग देखते हैं हम लोग इसको पीछे की तरफ क्या करते हैं बढ़ाते हैं तो पीछे की तरफ क्या करते हैं बढ़ाने पर ठीक तो पीछे की तरफ बढ़ाने पे आप देख रहे हैं ये क्या हो रहा है मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है या मुख्य फोकस से आती हुई यहां जाती हुई नहीं क्या हो जाएगा मुख्य फोकस से आती हुई क्या होती है प्रतीत होती है फिर से ध्यान दीजिएगा हमने क्या बताया भैया मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणे जब दर्पण से टकराती हैं टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई क्या होती हैं प्रतीत होती हैं अब आप जब यहां से आंख लगा के देखोगे ये नेत्र लगा के देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि ये किरणें यहाँ से नहीं आ रही हैं बल्कि कहाँ से आ रही हैं इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी और वास्तव में यहाँ से नहीं आती केवल आपको आभास होता है तो भैया इस प्रकार आपका प्रथम नियम उत्तल और अवतल के लिए दोनों के लिए कंप्लीट हो जाता है अगर कहीं भी प्रथम नियम आपको न समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में आपके प्यारा से प्यारे से कमेंट का मैं इंतजार करता रहता हूं कि कोई भी बच्चा कोई भी प्रिय साथी कम से कम कमेंट तो करे कि सर आपका पढ़ाया गया टॉपिक मुझे नहीं समझ में आया बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं पर कोई करता ही नहीं कमेंट मतलब कि सभी को क्लियर हो जाते हैं अगर क्लियर हो जाते हैं तो और अच्छी बात है चलिए अब हम लोग किसके चर्चा करने वाले हैं भैया कौन से नियम का दूसरे नियम का कौन से नियम का दूसरा नियम आइए अब हम लोग चर्चा करेंगे दूसरा नियम दूसरा नियम को भी लिखते हैं जरा सा दूसरा नियम क्या है दर्पण के वक्रता केंद्र से वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, जाने वाली प्रकाश किरणें, होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, क्या मैंने कहा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें जिस मार्ग से जिस मार्ग से आई रहती हैं जिस मार्ग से आई रहती हैं पुनः उसी मार्ग में पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है वापस लौट जाती है ये बातें जरा सा समझिएगा आइए अब हम लोग इधर चर्चा करेंगे दूसरे नियम के डायग्राम को समझेंगे और बोझेंगे भी चलिए दूसरा नियम अब देखिए दूसरा नियम क्या है दर्पण के वक्रता केंद्र से गोली दर्पण के वक्रता केंद्र यानी सी वक्रता केंद्र का मतलब वो क्या कहना चाह रहा है सी गोली दर्पण के वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें जिस मार्ग से आई रहेंगी उसी मार्ग से पुनः वापस लौट जाती हैं क्या दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें जिस मार्ग से आई रहती हैं पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं आइए हम इसका आपको डायग्राम बना के दिखाते हैं सबसे पहले क्या बनाएंगे अवतल दर्पण की चर्चा करने वाले हैं तो आइए एक हम लोग क्या बना लेते हैं अवतल दर्पण ये देखिए ये कौन सा दर्पण हो गया दर्पण ठीक अब इस पर हम लोग क्या बनाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे जिसे आप लोग क्या कहते हो मुख्य अक्ष कहते हैं यहाँ पर क्या बना देंगे ध्रुव बना देंगे फिर यहाँ पर क्या बना देंगे मुख्य फोकस का बना देंगे फिर उसके बाद यहाँ पर बना देंगे वक्रता केंद्र बना देंगे और ये रेखा हमारी क्या कहलाती है मुख्य अक्ष कहलाती है ठीक ये बातें आपकी क्लियर हो गई अब आप देखिए कहाँ से प्रकाश किरणों को गुजारना है आपने पढ़ा दर्पण के वक्रता केंद्र यानी सी से होकर जाने वाली तो भैया अगर हम लोग सी से होकर जाएंगे यदि हम लोग क्या करेंगे सी से होकर जाएंगे वक्रता केंद्र सी से होकर जाने वाली किरणें जरा सा टेढ़ी लाइन हो गई आप लोग उसको स्केल से बनाएंगे तो बहुत बढ़िया बनेगा जाने दो का ही नहीं बनेगा चल तो क्या हुआ ये देखिए ये किसको दिखा रहा है कि ये प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होकर जा रही हैं ये प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होकर जा रही हैं जैसे ये दर्पण से टकराई टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग में पुनः उसी मार्ग से वापस लौट आती है पुनः उसी मार्ग से क्या होती हैं वापस लौट आती हैं ये बेचारी जिस मार्ग से गई रहेंगी उसी मार्ग से वही रास्ता पकड़ के वापस लौट आएंगी कब जब दर्पण से टकराएंगी तब कब मैंने बताया भैया यदि प्रकाश किरणे यदि प्रकाश किरणे कहाँ से होकर जाए कहाँ से होकर जाए अरे सी से होकर जाए सी मतलब वक्रता केंद्र। सी से होकर जाए, तो दर्पण से जब टकराती हैं, दर्पण से लौटने लगती हैं, तो कहां से लौटती हैं पता चला जिस मार्ग से गई हैं, उसी मार्ग से वापस लौट आएंगी दूसरा नियम क्लियर हो गया आगे चलें, आइए हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण के लिए किसके लिए भैया उत्तल दर्पण के लिए तो उत्तल दर्पण क्या होता है मैंने बताया है जो अंदर की तरफ प्रिंट होता है जो अंदर से चिकना चुपड़ा दिखता है, अंदर से से चिकना अच्छा दिखता दिखता है है अच्छा वो कौन सा दर्पण होता है उत्तल होता होता है है कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है अब इस पे भी हम लोग क्या बनाएंगे एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे एक मुख्य अक्ष बनाएंगे फिर उसके बाद यहाँ पी का बसेरा यानी ध्रुव बेचारा यहाँ रहता है यहाँ मुख्य फोकस रहता है और यहाँ क्या रहता है थोड़ा सा मुख्य फोकस का घर और अंदर करो यहाँ मुख्य फोकस रहता है और फिर यहीं कहीं वक्रता केंद्र रहता है अब क्या लिखा मैंने वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या जाती हुई प्रतीत होने वाली ये चीजें लिखना चाहिए था उत्तल के लिए थोड़ा सा आप लोग इसको उसी में इन्वॉल्व कर लीजिएगा और लिखते समय भूल हो गई कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या जाती हुई प्रतीत होने वाली या जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें ऐसे लिखना चाहिए था तो जिस मार्ग से आई रहती है उसी मार्ग से वापस लौट जाती है आप लोग जीनियस बच्चे हैं तो उसको आप सुधार कर लेंगे उम्मीद करते होंगे कि आप उसे सुधार कर लेंगे ठीक चलिए तो हमने क्या बताया कहां से भैया कहां से जाएंगी इस बार इस बार प्रकाश किरणें ऐसा लगेगा ध्यान से एक बार थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा रेड वाले से ऐसे इससे इससे बनाते हैं आपको दिखेगा ठीक ऐसे ना आपको क्या लग रहा है आप सही सही बताइएगा आपको क्या लग रहा है कि ये प्रकाश किरणें ये जो प्रकाश किरणें आ रही हैं ये कहां पर जा रही हैं आपको लग रहा होगा कि ये प्रकाश किरणें कहां जा रही हैं वक्रता केंद्र की ओर जा रही हैं सही से बताइएगा हमें नहीं आपको भी लगना चाहिए आपको दिखना चाहिए कि ये प्रकाश किरणें कहाँ कहाँ हो के जा रही हैं वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही हैं वास्तव में जा नहीं रही हैं ये डॉट डॉट लाइन क्या दिखा रहा है कि जाती हुई प्रतीत हो रही हैं न कि जा रही हैं तो मैंने क्या बताया अभी दूसरा नियम वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें जिस मार्ग से आई रहती है पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती किसके लिए नियम है ये उत्तल के लिए है और के लिए हमने क्या बताया यदि प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होकर गुजरे कहां से गुजरे वक्रता केंद्र यानी सी से होकर गुजरे तो जिस मार्ग से गई रहती है पुनः उसी मार्ग में वापस लौट आती है बातें क्लियर हो गई भैया उत्तल को कहीं एक बार नहीं पढ़ेंगे उसको भी एक बार कंप्लीट करते हैं यदि प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत हो जाती हुई प्रतीत हो तो वो कहाँ से होकर जाएंगी जिस मार्ग से आई रहेंगी पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाएंगी ये बातें दोनों नियम क्लियर हो गए दोनों नियम अगर आपके क्लियर हो गए हैं तो वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे जानते हैं देख लेते हो आप लोग भूल जाते हो लाइक करना लाइक जरूर करके जाइएगा क्योंकि आपके लाइक से एक प्रकार की हम लोगों को एक नई ऊर्जा मिलती है ठीक आइए आप लोग तृतीय नियम समझते हैं जिसे हम लोग तीसरा नियम कहते हैं लास्ट नियम है भाई साहब दोनों नियम आपको जरूर आ गए होंगे नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का मैं इंतजार करूंगा कि कौन सा ऐसा मेरा प्रिय साथी है प्रिय स्टूडेंट है जिसको ये दोनों नियम नहीं समझ में आए अभी चलिए तीसरे नियम को हम लोग स्टार्ट करते हैं तीसरा नियम तीसरा नियम लिखें तीसरा नियम क्या है मुख्य फोकस से होकर जाने वाली जाने वाली प्रकाश किरणे जाने वाली प्रकाश किरणे या यही या लिखेगा या, या जाती हुई प्रतीत होने वाली या जाती हुई जाती हुई प्रतीत जाती हुई प्रतीत होने जाती हुई प्रतीत होने, हुई प्रतीत होने वाली होने वाली प्रकाश किरणें होने वाली प्रकाश किरणें प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के बाद दर्पण से दर्पण से टकराने के बाद दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है ये आपका तीसरा नियम है ये तीसरा नियम आपको क्या बता रहा है ध्यान से समझिएगा यदि प्रकाश किरणें कहाँ से होकर जाएंगी मुख्य फोकस एफ से होकर जाएंगी यदि प्रकाश किरणें मुख्य फोकस एफ से होकर जाएं या जाती हुई प्रतीत हो तो कहाँ से लौटेंगी पता चला लौटते समय मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी हो जाएंगी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी तो आइए दोनों के डायग्राम हम लोग देखते हैं तो तीसरे नियम के लिए डायग्राम हम लोग इधर समझ लेते हैं तो हमने क्या बताया सबसे पहले क्या बनाएंगे एक अवतल दर्पण बनाएंगे अवतल दर्पण पर क्या होता है जो बाहर से चिकना चुपड़ा दिखे और अंदर से बढ़िया ना रहे जैसे कि जैसे कि भैया जो बाहर से पेंट किया गया हो और अंदर न पेंट किया गया हो वो कौन सा दर्पण कहलाता है अवतल दर्पण कहलाता है ये देखिए ये कौन सा दर्पण हो गया अवतल दर्पण हो गया फिर हम लोग क्या बनाएंगे हम लोग इस पर एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे मुख्य अक्ष का निर्माण करेंगे इसपे ध्रुव को बैठाएंगे फिर उसके बाद मुख्य फोकस को बैठाएंगे फिर वक्रता केंद्र को बैठा देंगे बैठा दिए भैया अब क्या हुआ यदि प्रकाश किरले कहाँ से होकर जाए अरे अपना प्यारा यफ बिंदु देखिए यदि प्रकाश किरले कहाँ से होके जाए भाई साहब यफ से होकर जाए या जाती हुई प्रतीत हो अरे प्रतीत होने वाले को बाद में समझेंगे पहले क्या समझते हैं जाए यदि प्रकाश किरले कहाँ से जाए मुख्य फोकस एफ से होकर जाए तो दर्पण से टकराने के बाद तो दर्पण से टकराने के बाद का हो जाती मुख्य मुख्यच के समांतर हो जाती हैं। आइए देखते हैं क्या वास्तव में ऐसा होता है तो भैया देखिए यदि प्रकाश किरणें कहाँ से होकर जाएं मुख्य फोकस से होकर जाएं यदि प्रकाश किरणें कहाँ से होकर जाएं मुख्य फोकस से होकर जाएं तो दर्पण से टकराने के, के बाद क्या हो जाती है ये बातें याद रखो दर्पण से टकराने के बाद क्या हो जाती है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है यानी जैसे मुख्य अक्ष होता है वैसे ही ये भी हो जाती है ये देखिए मुख्य अक्ष के क्या हो गई समांतर हो गई बातें समझ में आई यदि आप मुख्य फोकस से प्रकाश किरणों को गुजारोगे तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएंगी समांतर हो जाएगी और मुख्य अक्ष कौन है ये है आपका मुख्य अक्ष जो रेखा है ठीक अब आइए हम लोग ये चीज किसके लिए बना लेते हैं उत्तल के लिए चर्चा कर लेते हैं उत्तल कौन होता है जो अंदर से प्रिंट हो बाहर की तरफ पेंट न किया गया हो वो कौन सा दर्पण कहलाता है उत्तल दर्पण कहलाता है कौन सा दर्पण कहलाता है उत्तल दर्पण अब इस पर भी हम लोग क्या बनाएंगे एक मुख्यच का निर्माण कर देंगे अक्ष का निर्माण फिर उसके बाद इस पर ध्रुव हो जाएगा उसके बाद मुख्य फोकस हो गए फिर उसके बाद वक्रता केंद्र हो गए अब क्या हो रहा है यदि क्या कर रहा है यदि प्रकाश किरणें जो है मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत हो हु, जाती हुई प्रतीत हो हु. तो आइए देखते हैं यदि प्रकाश किरणें क्या हो मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत हो हु. यदि प्रकाश किरणें, ये देखिए आपको क्या लग रहा है कि ये प्रकाश किरणें क्या लग रहा है कि ये प्रकाश किरणें कहाँ जा रही हैं मुख्य फोकस पे जा रही हैं तो क्या बताया मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें जब ये दर्पण से टकराएंगी तो टकराने के बाद मुख्य के क्या हो जाती हैं समांतर हो जाती है यानी ये प्रकाश किरणें अब ऐसे चलने लगेंगी ये मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें जब भैया दर्पण से टकराती हैं तो ये मुख्य के क्या हो जाती हैं समांतर हो जाती हैं ये आपका क्या है मुख्य अक्ष है तो इस प्रकार आपका जो तृतीय नियम है जो तीसरा नियम है वो कंप्लीट हो जाता है और तीसरे नियम के साथ आज आप लोगों ने गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के तीनों नियम सीख लिए हैं अब हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग आगे अवतल और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे अगली लेक्चर में फिलहाल आज की वीडियो में हम आपको इतना ही बताते हैं अगर आज के बताए गए किसी भी टॉपिक में अगर कोई डाउट रह जाता है अगर कोई डाउट क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को क्या करेंगे लाइक करेंगे और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जब हद से ज़्यादा आप क्या करेंगे उनको शेयर करेंगे क्योंकि जैसे आप लोग इस चैनल का आनंद ले रहे हो उसी प्रकार आपके जो दोस्त लोग हैं अन्य चैनल पर पैसे देकर पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी आप इनका एंजॉय दिला सकते हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत थैंक यू डियर स्टूडेंट